तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदारी किसकी है? तुम्हें लाइफ में सफल बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? आखिर सुबह जल्दी उठना क्यों होता है? आखिर क्या कारण है कि एप्पल के सीईओ टिम कुक सुबह 4 बजे उठ जाते हैं? हॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर ड्वेन द रॉक जॉनसन सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं? बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार सुबह 4 बजे उठ जाते हैं? पूरी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सुबह 4 बजे उठ जाते हैं? ऐसा क्या है सुबह जल्दी उठने में जो बड़े बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर जल्दी उठ जाते हैं? दुनिया के लगभग सभी करोड़पति अरबपति सबसे ज्यादा हाईली सक्सेसफुल लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं। दोस्त, आज एक बात को ध्यान रखना, ये वीडियो आखिरी तक सिर्फ वही देखेगा जो सच में जिंदगी में सीरियस है और सच में सुबह जल्दी उठना चाहता है और अपने सपने को हकीकत में बदलना चाहता है। वीडियो शुरू करने से पहले याद रखो दोस्त, अब तक जो करते आए थे अगर वही करोगे तो वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया था। तो आज मैं कुछ ऐसी चीजें बदलने को कहूंगा, आज कुछ ऐसी चीजें जोड़ने को कहूंगा, अगर तुमने ये कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि अब से तुम सुबह जल्दी उठोगे। दोस्त, अगर आप नॉर्मली सुबह 7 बजे उठते हैं लेकिन अगर सिर्फ 3 घंटा पहले उठना शुरू कर दिया तो पूरे साल में तुम 1095 घंटे बचा लोगे और आगे आने वाले 10 सालों में पूरा 1 साल 2 महीने और 25 दिन यानी कि 10,950 घंटे। और अगर ये 3 घंटे आगे आने वाले 10 साल में तुमने उस स्किल में लगा दिए जिसमें तुम्हें एक्सपर्ट होना है तो तुम्हें उस स्किल में हराने वाला इस पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। दिस इज कॉल्ड 10,000 आवर्स रूल। एक बात को याद रखना, जो व्यक्ति सिर्फ सुबह उठने से नहीं जीत सकता वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। जो एक छोटी सी आदत को नहीं बदल सकता वो जिंदगी में बड़ा कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। जरूरी नहीं है कि आपको हर दिन 8 घंटे ही सोना है, अगर आप 6 घंटे भी सोते हैं तो वो भी आपके लिए बेस्ट है। आपको ज्यादा प्रोडक्टिव होना है, ज्यादा कार्यक्षमता को बढ़ाना है तो 6 घंटे बहुत है। और ये बात कभी मत भूलना कि अगर जिंदगी में तुमने हमेशा आसान काम किया तो जिंदगी तुम्हारी कठिन हो जाएगी, और अगर जिंदगी को बनाने के लिए तुमने कठिन काम आज ही किए तो तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि तुम्हें सुबह उठने के लिए कौन सी चीजें फॉलो करनी है जिससे आप गारंटी से सुबह जल्दी उठ पाएंगे। नंबर 1, एक स्ट्रॉन्ग कारण। दोस्तों, आपको याद होगा जब भी आपको कहीं घूमने जाना होता है या कुछ भी इंटरेस्टिंग काम करना होता है जिसमें आपको मजा आता है तो उसके लिए आप सुबह अपने मम्मी पापा से पहले ही उठ जाते हैं। तो सबसे पहले एक ऐसा कारण ढूंढो कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना क्यों है, और ये कारण सिर्फ आपका होना चाहिए। आपको जिंदगी में इन 3 घंटों का इस्तेमाल किस चीज में करना है। स्टूडेंट हो तो अपनी पढ़ाई में कर सकते हो, बिजनेसमैन हो तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर सकते हो, आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड में बेहतर बनने के लिए कर सकते हो। नंबर 2, 30 मिनट शटडाउन। दोस्तों, नॉर्मली ऐसा होता है रात को मोबाइल हाथ से छूटता नहीं तो सुबह तकिया हमसे छूटता नहीं। हमको एक बात का खास ख्याल रखना है कि सोने से लगभग 30 मिनट पहले हमको मोबाइल या टीवी बिल्कुल भी नहीं देखना। उन 30 मिनट में हमें बिना मोबाइल या टीवी के रहना है। उन 30 मिनट में कुछ मिनटों में आप अपने अगले दिन की प्लानिंग बना सकते हो, और सोने से महज 5 मिनट पहले आपको सिर्फ सबसे पॉजिटिव चीजें सोचनी है, जो जिंदगी में अच्छा अच्छा हुआ है सिर्फ वही सोचना है। नंबर 3, सोने से पहले 1 या 2 ग्लास आपको पानी पीना है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अलार्म तो भर देते हैं लेकिन हमको सुनाई ही नहीं देता, लेकिन अगर आप पानी पीकर सोते हैं तो आपका दिमाग हमेशा अलर्ट पोजीशन पर रहता है, और साथ ही एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें अपने शरीर से पानी को यूरिनेट करना होता है। तो इसके कारण अगर आप पानी पीकर सोएंगे तो आपको सुबह जल्दी उठने में हेल्प होगी। और सबसे जरूरी है नंबर 4, सिर्फ 1 अलार्म सेट करो और उसको अपने बेड से दूर रखो। सबसे गंदी आदत यह है कि हमको अगर सुबह 4 बजे उठना है तो हम 3 बजे का 3:30 बजे का 4:15 बजे का अलार्म सेट करते हैं। इतने सारे अलार्म भरने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि हम पहले अलार्म पे कभी नहीं उठते और कहते हैं 5 मिनट और सो लेता हूँ, 5 मिनट और आराम कर लेता हूँ, 5 मिनट बाद उठ जाऊंगा, और 4 बजे का जो तुम्हारा टारगेट होता है जिंदगी में कभी पूरा नहीं होता। तो दोस्त, सिर्फ 1 ही अलार्म भरना है और उस अलार्म क्लॉक को अपने बेड से काफी दूर रखना है ताकि जब भी वो अलार्म बजे तो आपको उठकर उसको बंद करना पड़े। तो जैसे ही अगर आप उठ जाते हैं तो वहीं पर हल्की सी एक्सरसाइज करनी है और साथ ही मुंह धोकर 10 मिनट खुली हवा में घूमना है। दोस्तों, अगर ये 4 काम आप मात्र 21 दिन कर लेते हैं तो आपके लिए सुबह उठना बच्चों का खेल हो जाएगा। पहले दिन दिक्कत होगी मैं मानता हूँ, लेकिन 21 दिन अगर आपने कर लिया तो आप इस खेल के मास्टर बन जाओगे, ये भी मैं जानता हूँ। आखिरी में मेरी एक बात याद रखना,
सोते रहने वाले सिर्फ सपने देखते हैं और जागने वाले उन सपनों को जिद में बदलकर हकीकत में पूरा करते हैं। अब तुम कौन हो वो मुझे कमेंट में लिखकर बताना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि ऐसा मोटिवेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। और याद रखना, मैं हूँ सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडी मेनिया।